तो फ्रेंड्स, हमारे घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर हमारी नजर में आ जाती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इन्हें फेंकना बिल्कुल भी उचित नहीं है और इनसे कोई ना कोई रीयूज किया जा सकता है। तो मेरे घर के अपर पोर्शन में चल रहा था एल्यूमिनियम का कुछ वर्क, तो उसमें निकली थी कुछ इस तरह की स्ट्रिप्स, तो इनको मैंने आराम से निकाल कर साफ करके रख लिया और सोचा कि कभी ना कभी ये काम आएंगी। पर पता नहीं था कि आज ही के वीडियो में इनसे मैं कुछ रीयूज करने वाली हूँ। में हम सभी लोग अलग अलग तरह के क्लोथ्स को यूज़ करते ही हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि सही टाइम पर सही क्लोथ हमारे हाथ नहीं लगता है और उसका रीज़न है कि सही जगह पर उनका ऑर्गेनाइज करके ना रखा जाना। तो मैंने अपनी किचन में एक स्पेशल प्लेस दिया है अपने सारे ही किचन क्लोथ्स को। इस ऑर्गेनाइजर में मैं रखती हूँ अपने सारे ही किचन क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज करके, ताकि सही टाइम पर सही क्लोथ को हम पिक कर सकें। तो यहीं पर मैंने यूज़ किया है अपने उन स्ट्रिप्स को जिन्हें बचाकर मैंने रखा था। इसकी चौड़ाई का नाप लेकर मैंने दो स्ट्रिप्स को कट कर लिया है। इसकी एजेस को स्मूथ करने के लिए मैंने एक टेप को इसके ऊपर स्टिक कर दिया है और रेडी हो जाते हैं हमारे दो डिवाइडर्स जो इस बड़े से ऑर्गेनाइज़र को या बॉक्स को तीन हिस्सों में डिवाइड कर पाएगा। और अब आप सोचेंगे कि ऐसी एल्युमिनियम स्ट्रिप सभी लोगों के पास तो नहीं हो सकती हैं, तो इसकी जगह पर आप जो हार्ड वाले कार्डबोर्ड बॉक्सेस वगैरह होते हैं उनके स्ट्रिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं और किसी बड़े ऑर्गेनाइज़र को डिवाइड कर सकते हैं कई छोटे छोटे पार्ट्स में। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हमारे घर में जो बेडरूम होता है, बेडरूम के जो साइड का स्पेस है उतना ज़्यादा नहीं होता है कि हम किसी भी तरह के बेड साइड टेबल को यूज़ कर सकें, तो इसके लिए भी किसी चिंता की बात नहीं है। चलिए मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया सा सोल्यूशन इसका शेयर करूँ। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह का बेड साइड ऑर्गेनाइज़र। कई सारी पॉकेट्स के साथ ये आता है। इसके अलावा इसमें पीछे की तरफ वेलक्रो टेप का पूरा अरेंजमेंट होता है ताकि बेड के अलावा भी आप इसे अदर जगहों पर हैंग कर सकें और एज अ ऑर्गेनाइजर यूज कर सकें, जैसे कि कार के अंदर भी आप इसे यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी हैंगिंग वाली जगह जहां पर इसे टांग सकें। तो बेड के मैट्रेस के नीचे मैंने इसे इस तरह से दबा दिया है और रेडी हो गया आपका बेड साइड ऑर्गेनाइजर। तो अगले टिप के लिए मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल की तरफ। मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं सेफ्टी पिन का एक पूरा बंच, तो अक्सर ये मार्केट में इसी तरह से मिलता है। एक सेफ्टी पिन के अंदर सारी ही इस तरह से लगी होती हैं, तो मैंने कैसे स्टोर करती हूँ चलिए आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने छोटी और बड़ी सभी पिन को एकदम अलग अलग कर लिया है और सभी को एक दूसरे से भी अलग कर लिया है, और इन दोनों ही छोटी और बड़ी पिन को मैं अलग अलग सेक्शंस में ही स्टोर करती हूँ ताकि इन्हें उठाना और पिक करना काफ़ी आसान हो सके, क्योंकि इसके बंच से बार बार इन्हें निकालना काफ़ी इनकन्वीनियंट और टाइम टेकिंग हो सकता है। और अगर आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करते हैं तो और भी बढ़िया बात है, क्योंकि आप इसमें इन्हें स्टैंडिंग पोजीशन में भी रख सकते हैं जो कि और भी ज़्यादा कन्वीनियंट हो सकता है। और इस टिप को आप यूज़ करते हैं या नहीं मुझे यस या नो लिखकर कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है तो शूज़ आखिर कैसे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि अगर शूज़ का ऑर्गेनाइजेशन हो गया ना तो समझिए आपके घर का आधा ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। तो पिछले साल मैंने परचेज किया था ये वाला शू रैग या शू ऑर्गेनाइज़र, और इसका वीडियो भी आपके साथ अनबॉक्सिंग का और इंस्टॉलेशन का शेयर किया है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी और आई बटन पर भी आप इसे देख सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट का मैंने सोचा कि एक साल के बाद रिव्यू देना तो बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये एक वाइट कलर का शू रैग है, तो मुझे डाउट था कि ऐसा ना हो कि इसकी सफाई में मुझे दिक्कत आए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत आसानी से किसी भी क्लीनर से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। और इसके डिजाइन की बात करें तो इसमें वेंटिलेशन के लिए पूरा स्पेस दिया गया है, साथ ही साथ इसे खोलना और बंद करना बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। और इसमें आप कई सारे पेयर्स ऑफ शूज रख सकते हैं और इसकी जो स्लीक डिजाइन है ये इसे बहुत ही एलिगेंट लुक देती है। तो इस तरह आप इस ऑर्गेनाइजर की तरफ जा सकते हैं। काफी अच्छा प्रोडक्ट है आपके शूज को ऑर्गेनाइज करने के लिए।
सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा होगा और आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। और मेरी ही तरह अगर आपको बाथरूम क्लीनिंग का काम काफ़ी ज़्यादा टफ टास्क लगता है तो राइट साइड वाले आई बटन को आप फटाफट से क्लिक करके देख लीजिए कि बाथरूम क्लीनिंग को सबसे ज़्यादा आसान बनाने के लिए मैंने आपके साथ कौन कौन से टिप्स और ट्रिक्स को शेयर किया है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मैं आपसे मिलती हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल आइडिया के साथ। और हाँ, कॉमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ।